हेलो एंड वेलकम बैक टू द लेग एंड वॉकिंग एबिलिटी क्लिनिक एट मिशन हेल्थ। हमने आपको वॉकिंग रोबोट से इंट्रोड्यूस करवाया था। आज हम बात करेंगे व्हाई वॉकिंग रोबोट। सीवियरली इम्पेयर्ड न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स को वॉक करवाना न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। कंडीशंस जैसे स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी और ब्रेन इंजरी में पेशेंट्स का वॉकिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। इस रॉन्ग पैटर्न के साथ जब पेशेंट लंबे समय तक चलते हैं तो इसे ब्रेन अडाप्ट कर लेता है और इस पैटर्न को चेंज करना बाद में मुश्किल हो जाता है। कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी में पेशेंट को मैनुअल सपोर्ट से चलाया जाता है। इसमें एक से ज़्यादा हेल्पर्स की ज़रूरत होती है, इसलिए पेशेंट को ज़्यादा समय तक चलाना मुश्किल हो जाता है। जबकि वॉकिंग रोबोट में एक स्पेशल न्यूरोफिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस में 30 से 40 मिनट तक वॉकिंग करवा सकते हैं। वॉकिंग रोबोट एक ऐसा इंटेंसिव मेडिकल डिवाइस है जो हाईली रिपीटेटिव फिजियोलॉजिकल गेट ट्रेनिंग करवाता है। फिजियोलॉजिकल पैटर्न मतलब ये रोबोट पेशेंट के गलत वॉकिंग पैटर्न को सुधार के उन्हें नॉर्मल वॉकिंग पैटर्न में चलना सिखाता है। यही वॉकिंग ट्रेनिंग जब लॉन्ग ड्यूरेशन तक दी जाती है तो बॉडी में प्रॉपर वेट बैरिंग, जॉइंट लोडिंग, स्टेपिंग, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इम्प्रूव होता है, जो पेशेंट का फ्लोर पर वॉकिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। कन्वेंशनल फिजियोथेरेपी में जो रिजल्ट 1 से 1.5 साल में मिलने की संभावना होती है, वो रोबोटिक फिजियोथेरेपी में 3 से 6 महीने में मिल सकता है। टू नो मोर अबाउट द वॉकिंग रोबोट, प्लीज स्टे ट्यून्ड टू मिशन हेल्थ।